जो दिखा सो दिखाया, ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा नागरिक संशोधन अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू नहीं किए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रोड़मल नागर एवं जिला अध्यक्ष दिलवर यादव के नेतृत्व में जिला राजगढ़ में कलेक्ट्रेट का घेराव कर माननीय राज्यपाल जी के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बिल आया है, वो पास हो गया। नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, राज्य सरकार को नागरिकता देने का अधिकार होता ही नहीं है। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम इसको मध्य प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। अरे भाई, नागरिकता देने का अधिकार आपको है ही नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हम कांग्रेस के स्टैंड पर चलेंगे। अरे भैया, भारतीय संविधान के स्टैंड पर चलो भाई। आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप कांग्रेस के एजेंडे पर काम नहीं कर सकते। आप भारतीय संविधान के एजेंडे पर आपको काम करना है। और लोकसभा में और राज्यसभा में सरकार ने इस बिल को पास कर दिया है, तो इस बिल को आपको लागू करना ही पड़ेगा। और आपको तकलीफ क्यों है मेरे मित्र, आपको तकलीफ क्यों है? जो शरणार्थी है, जो लोग यहाँ पर परेशान है, हैरान है, उनको सहायता देने में आपको तकलीफ क्या है? जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों को इसमें कोई स्थान नहीं है। और इससे ये माना जाएगा कि जो भी लोग इस देश के अंदर जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वो घुसपैठियों को मदद कर रहे हैं। या तो घुसपैठियों को उन्होंने अपने घरों में, अपने आशियाने में कहीं ना कहीं छुपा के रखा है, या उनको कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। नहीं तो ये इस देश की अस्मिता के खिलाफ है, इस संविधान के खिलाफ है, इस देश के कानून के खिलाफ है। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के हिसाब से चलेंगे, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुनय करते हैं कि आप कृपया इसमें हस्तक्षेप करें।